सबसे पहले जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका सम निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप इस आइडेंटिटी को डिस्कस करोगे। सबसे पहले आप क्या बनाओ अपनी तरफ से, लेट करो कि के स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब इसका प्रूफ जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आप इसको डिस्कस करो कि ये वही चीज है जो अभी हमने पढ़ी है, उसके जनरल टर्म है ना वो मैंने पिक की हुई है। सबसे पहले सॉल्व करो इसकी जनरल टर्म को, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो किसके बराबर जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर, इसको जब सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे आंसर आ रहा होगा टू के माइनस वन। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, इसका प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, के स्क्वायर माइनस के माइनस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर है, टू के माइनस वन के बराबर है। फिर आप क्या करो, आप दोनों तरफ समीक्षण ले लो, इस तरफ भी समीक्षण आपने ले लिया और बहुत ही घटिया समीक्षण लिया मैंने, इस तरफ भी आपने समीक्षण ले लिया, दोनों तरफ आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हो, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, दोनों तरफ ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कुछ भी आप कर सकते हो। यहां पर मैं इंडेक्सेस भी लिख देता हूं, आप तो कहोगे सर जरूरत तो नहीं है लिखने की, बात सही है जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास फॉर्मूले जो है ना वो के की फॉर्म में आएंगे यहाँ पे, जब आप समीशन ही लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था मैंने एन लिख दिया था, तो इसका जो आंसर है वो एन की फॉर्म में आएगा ना, जो वेरिएबल लिखा हुआ है, तो हमारी कोशिश होती है हम एन की फॉर्म में फॉर्मूला, मतलब रिजल्ट हमारा एन की फॉर्म में आ रहा है, तो अगर एन की फॉर्म में लाना है तो आप लिख दो के वन से लेके एन तक है, तो आप जो आंसर आएगा वो एन की फॉर्म में आएगा। अगर आप ये ना लिखते इंडेक्स, प्रोसेस बिल्कुल ठीक होता, आपका फॉर्मूला के की फॉर्म में आता, कोई फर्क नहीं है, आपका फॉर्मूला ये आ रहा होता। जिसको शौक हो वो इंडेक्स की समीक्षा ना डालना, इस तरह सॉल्व करना, ये फॉर्मूला आ रहा होगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, ये भी एक ही बात है भाई, के का फॉर्मूला आ गया, के की जगह एन लिख दो, वेरिएबल से थोड़ा फर्क पड़ता है कुछ, पर हम ये लिख देते ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, ये पूरी चीज आपने अभी मालूम की थी, यदि आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, ये किसके बराबर था, ये था एन की पावर एम, एन यहां पे क्या है, एन ही है, एम यहां पे क्या है, टू है, तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ये नोटेशन ना लगाते तो आप इसका आंसर के स्क्वायर होता, क्योंकि वेरिएबल के है ना, तो आप एन के फॉर्म में तो आंसर नहीं लिखते ना, तो के स्क्वायर आप लिख रहे होते, इसको कोई मसला नहीं है, उस तरह कर लो तब भी चीज आ जाएगी, और वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां पे बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कहते हो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, हर ऑपरेटर जो है ना लीनियरिटी यार, एक तो इतने बुरे हालात है ना इंग्लिश में, लीनियरिटी, ये मैंने अभी वर्ड मैंने मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक आया है उसके अंदर ये जुमला आया है, और या तो मैं समय मैथ पे ज्यादा मेरा फोकस होता है, मैं इंग्लिश भूल जाता हूँ, मैं समय आर के बाद ही आई आएगा ना, हाँ मैंने पहले ही बताया था ना सीआईयू कह रहा हूँ, दवा का नाम है, आईसीयू में है मेरी इंग्लिश अभी, लाइक जिस रूम में मेरी इंग्लिश है ना उसका नाम भी नहीं आता मुझे, सीयूआई कह रहा हूँ या पता नहीं सीआईयू कह रहा हूँ क्या बात। लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, हर ऑपरेटर की होती है, हर ऑपरेटर की नहीं होती, कुछ ऑपरेटर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही मशहूर जमाना गलती है, और जो मैंने अपने पीएचडी डॉक्टर टीचर है उनकी भी गलती निकाली थी, मुझे आज तक याद है, क्योंकि स्टूडेंट को टीचर की गलती निकालने में बड़ा मजा आ रहा होता है, तो हम भी स्टूडेंट हम भी निकाल रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एल एन एक्स प्लस वाई को लिख दिया था कि वो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई के बराबर, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेध्यानी में उन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट के जहन में यही आता है कि यार ये चीज बराबर होती है, बराबर नहीं होती, हर ऑपरेटर के साथ आप ये नहीं कर सकते कि उस ऑपरेटर को इस पे भी अप्लाई कर दो, उस ऑपरेटर को इस पे भी अप्लाई कर दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी नहीं आ सकता, कभी आपने देखा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को आपने इस तरह लिखा हो कि साइन 30 प्लस साइन 60, नहीं, क्योंकि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लीनियर नहीं है, आप इन दोनों पे इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते, तभी आप इसके लिए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है, तो कुछ ऑपरेटर इनको कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कोई ऑपरेटर आपका लीनियर है या नहीं है, जो सिग्मा है वो लीनियर है, मतलब सिग्मा को आप 2k पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और सिग्मा को आप सिग्मा का क्या हालत होगी, इसको आप 1 पे भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब 2k और 1 पे आपने दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया, सिग्मा जो है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर की एक और भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई जनरल टर्म लिखी हुई ना उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई और उस कांस्टेंट को बाहर कर दो, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो जो 2 आपको नजर आ रहा है ना, इस 2 को मैं इस सिग्मा से बाहर कर देता हूं, सही है, तो ये सिचुएशन आपके पास आ गया। अब एन स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो के है ये आपको निकालना है, अगर आप ऑब्जर्व करो यही चीज तो आपको निकालनी है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैं सबसे पहले 1 पुट करूंगा, प्लस 2 पुट करूंगा, प्लस 3 पुट करूंगा, अप टू कहां तक पुट करना है, n तक। यही चीज तो आ रही है पूरी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, यही तो आपको निकालना है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालनी है, दैट्स व्हाई इसको छेड़ना नहीं है। सवाल ये कि इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा। मैंने अभी शॉर्टकट आपको बताया था कि जब आपके पास जनरल फॉर्म कॉन्स्टेंट हो और आपकी 1 से स्टार्ट हो रही हो, तो बहुत इजी तरीका है, जो अपर लिमिट है उसको इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अपर लिमिट n है, n को इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर माइनस n आ जाएगा, ठीक है। और 2 के साथ इसको एज इट इज आप नीचे कॉपी कर दो। अब आपको ये चीज निकालनी है ना, तो माइनस एन को उधर ले जाओ आप, माइनस एन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को आप डिवाइड करवा दो, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे जस्ट ये चीज बच रही होगी, ठीक है। तो बच्चों ऐसा इस फॉर्मुले को एक और तरीके से भी लिख सकते हो, इस फॉर्मुले को लिखने का तरीका है कि अगर आप न्यूमरेटर से एन कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, दैट्स इट, ये आपके पास फॉर्मुला प्रूव हो गया। अगर आप देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये जो पूरी आपके में नोटेशन लिखी हुई है, ये पूरी इसके लेफ्ट हैंड साइड है, 1 पुट करोगे 1 आएगा, प्लस 2 पुट करोगे 2 आएगा, करते करते n तक आते जा रहा है। तो ये पूरी चीज किसके बराबर आ गई है, ये पूरी चीज किसके बराबर आई है, n n प्लस 1 के बराबर आई है। तो ये चीज आप इस तरह भी लिख सकते हो, या जो लेफ्ट हैंड साइड पे नोटेशन है इसको आप इतना भी लिख दो, एक ही बात है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बात एक ही होगी, मैटर नहीं करता। अगर k की फॉर्म में आ रहा है आप इसको n की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और अगर यहां पे आप इंडेक्स नहीं लगाओगे ना तो यही चीज आपके पास इस तरह आ रही होगी, अगर आप इंडेक्स नहीं लगाओगे तो ये चीज इस तरह आ रही होगी, ठीक है। जब इस तरह आए, अगर आप n के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप k की जगह n लिख देना। तो असल सवाल ये है कि आपने फॉर्मूला यहां पे निकाल लिया, फॉर्मूला किस चीज का निकाला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपने समीशन का फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला क्या करेगा आपकी हेल्प भाई, सिंपल, आपने इस फॉर्मूले के अंदर अगर 10 पुट करोगे तो शुरू के 10, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप 10 पुट करोगे तो शुरू के 10 जो नेचुरल नंबर है उनका सम मिलेगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक। 20 पुट करोगे शुरू के 20 नेचुरल नंबर का, 30 पुट करोगे शुरू के 30 नेचुरल नंबर का सम आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें 30 पुट करो शुरू के 30 नेचुरल नंबर का सम आ गया, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ दूसरे के ऊपर, तो ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले डिराइव कर लिया, अब जरा दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट उन्हें ये लगाना है कि वही चीज यूज करनी है। अब k क्यूब कर दो इसको, और जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा k क्यूब माइनस, इसको सॉल्व करो एक होगा k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1, ये चीज आ रही होगी। तो k क्यूब से माइनस k क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, अच्छा माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 3k, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 1, और k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब इसके बराबर होता है। अब इससे आप प्रूव स्टार्ट करो, आप क्या करो, आप दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर दो, 1 से लेके n यहां पे भी अप्लाई कर दो, इसी तरह यहां पे भी आप 1 से लेके n तक अप्लाई कर दो, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। तो दोनों तरफ आपने सिग्मा अप्लाई कर दिया, मैं आसानी के लिए यहां पे k नहीं लिख रहा, वरना k इक्वल टू 1 से n लिख देना आप, ठीक है। दोनों तरफ आपने सिग्मा अप्लाई कर दी, अब आपको पता है पूरी चीज किसके बराबर है, फॉर्मूला आपने डिराइव किया था n की पावर n, n यहां पे n ही है और n मतलब पावर यहां पे क्या है 3, तो ये हो जाएगा n क्यूब। अब जरा इस पे आ जाओ अगेन सिग्मा, अच्छा ये जो चीज सिग्मा बुक में आपको ये नहीं मिला हुआ, बुक ने पता नहीं इतने अजीब तरीके किया हुआ सम ही है उन्होंने, क्योंकि बहुत ही भोंडे तरीके से सम किया उन्होंने, हालांकि बहुत ही अच्छी सिग्मा वाली चीज है, ये आपको पंजाब बोर्ड में मिल जाएगी चीज चैप्टर नंबर 6 के अंदर, बिल्कुल 6 का आखिरी वाला हिस्सा, लेकिन सिंह बोर्ड ने पता नहीं किस तरह ऐड उन्होंने किया, मैं सोच रहा हूँ बैठ के यार क्या इधर उधर पता नहीं क्या, मतलब समझने में बड़ा मुश्किल है, तो मैंने कहा वो तो मैंने समझा ही दिया, तो बेहतर है ये वाला तरीका जो है एक अच्छा तरीका है, इससे हम जरा बात समझते हैं। अच्छा फिर आप लीनियर ऑपरेटर है सिग्मा, तो तीनों पे अप्लाई कर दो, तो सिग्मा 1 से लेके n 3k स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 से लेके n 3k प्लस सिग्मा 1 से लेके n 1। अब अगेन लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है, 3 को बाहर निकाल दो, इसी तरह यहां पे जो 3 है इसको भी आप बाहर निकाल दो। अब सिचुएशन क्या है उसको लिखते हैं, ये k स्क्वायर में जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करो ये चीज आपको निकालनी है, ये क्या है, यही तो है जो लिखी हुई है आपके पास, आप इसके अंदर 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, प्लस 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर, प्लस 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर, और कहां तक जाना है n तक जाना है, n पुट करोगे n का स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये तो आपको निकालनी है, ये पूरी चीज रिप्रेजेंट कर रही है इसको, तो जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, जो आपको निकालना है किसका सम का फॉर्मूला क्या है, ये पूरी यही चीज है ना, ठीक है। तो आपको निकालना ये है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं x कह देता हूं अपनी आसानी के लिए, ये ऊपर वाली चीज x है, बाकी चीजों को निकालते हैं।
ये चीज जो है कि आपने अभी लास्ट प्रूफ में यही निकाली है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो आपने देखा था किसके बराबर था, एन एन प्लस वन अपॉन टू के, और ये चीज आपको पता है, n को 1 से करो। अब जरा इक्वेशन क्या बनेगी, 3x को अपनी जगह पे लिख लो, ठीक है, आप क्या करो, मतलब 3x अपनी जगह पे ही है, इन दोनों टर्म को उठा के डाल ले आओ, तो n क्यूब ऑलरेडी मौजूद था, जब ये वाली टर्म इधर आके आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और अगेन ये वाली टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन बन रही होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि 2 को n क्यूब से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2n क्यूब, अच्छा मतलब एलसीएम यहां पे 2 आ रहा है ना, ये कहने का मतलब है, तो 2 को n क्यूब से मल्टीप्लाई 2n क्यूब, अच्छा इसको सॉल्व करो, 3n को n से करो 3n स्क्वायर, 3n को 1 से करो 3n, और इस 2 को माइनस n से करो माइनस 2n, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है। और लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड बना रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे 3x लिखा था, वेयर x क्या है ये पूरी चीज जो आपको यहां पे मालूम करनी है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये 2n क्यूब 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस n अपॉन 2, और आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, इस 3 को मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे आके 6 हो जाएगा। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके में लिख रहा हूं, अच्छे तरीके का मतलब ये है कि मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं इस तरीके से कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप क्या करो, सबसे पहले n कॉमन ले लो, हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो ना, मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, मैं अलग से कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ये मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, 2n कॉमन लो, ये हो जाएगा n प्लस इसमें से 1 बचेगा, यहां से 1 कॉमन लो n प्लस 1। तो बच्चों एक फैक्टर क्या रहा है, एक फैक्टर आ रहा है n प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है 2n प्लस 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे दो फैक्टर आएंगे, ये बच्चों आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, समीशन 1 से लेके n k स्क्वायर का, और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया जो आपने निकाला। तो ये क्या चीज है, इस नोटेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, या इस नोटेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो। तो n स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस वाले सीरीज का भी आपने फॉर्मूला निकाल लिया, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, तो बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए शुरू के 10 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम निकालो, तो आप जस्ट इसमें 10 पुट करो, शुरू के 10 नेचुरल नंबर का आ जाएगा, आप यहां पे 20 पुट करो, शुरू के 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ जाएगा, तो आसानी से आप कर लोगे। और यही कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, 4 के साथ भी अप्लाई करना है, मैं मैंने मेथड बता दिया, आप लोग इतने स्मार्ट हो, आप यहां पर ही काम करना। अब जो तीसरे फॉर्मूले के लिए इक्वेशन लेट करोगे ना, वो ये लेट करोगे और इसको जरा सॉल्व कर लेना, ये किसके बराबर आ रही होगी, जिसके भी बराबर आ रही होगी यही समीशन आप अप्लाई करोगे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होंगी, आप पंजाब बोर्ड से भी हेल्प ले सकते हो, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, उसमें एक के की टर्म आ रही होगी जिसका ये फॉर्मूला है, उसमें एक के स्क्वायर वाली टर्म आ रही होगी जिसका फॉर्मूला आपने निकाल लिया, और फिर जो तीसरी के क्यू वाली टर्म होगी वो आपने मालूम करनी होगी, तो बाकी को दूसरी तरफ ले जाना, यही एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइज करोगे, एट द एंड आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये आ रहा होगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू, एग्जैक्ट जो ऊपर फॉर्मूला है ना वही है, बस इसका स्क्वायर होगा। अगर मुझे हो सका, अगर हो सका तो मैं जो पंजाब बोर्ड का जो सॉल्यूशन है ना वो मैं लगा दूंगा एडिटिंग करते हुए, तो देख लेना, समझ लेना, कोई मुश्किल चीज नहीं, यही काम किया मैं। तो जो तीसरी सीरीज है ना, इसका सम का फॉर्मूला बड़ा इजी है, बस आपने क्या करना है, जो पहले में आपको फॉर्मूला आया था ना उसका स्क्वायर कर देना आपने, बस दैट्स इट, ये तीसरे का देगा। तो बड़ा इजी काम है भाई, अगर आपको बोला जाए सीरीज की शुरू की 50 टर्म का सम निकालो, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता है, आप एन के जगह बस 50 पुट कर दो, तो शुरू के 50 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आपके पास आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला कितनी आपकी हेल्प करेगा। तो बच्चों ये टॉपिक है 8.2 का, मैंने प्रूफ भी करवा दिए, काफी कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किए हैं, और करते करते पाई नोटेशन भी बता दी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी बता दी, मतलब डिटेल में कॉन्सेप्ट जितने हो सकते थे मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप 8.2 की थ्योरी देखोगे ना, तो ये फॉर्मूला डिराइव किए मैं, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से किए मैं, तो उनको स्किप करते 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 पेज नंबर 269 पे एग्जांपल्स हैं, तो बहुत इजी एग्जांपल है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी वाली मुश्किल एग्जांपल्स नहीं होती, बड़ी इजी एग्जांपल होती हैं, जो एक्सेल हमने की है उसी से रिलेटेड एग्जांपल होती हैं, दैट्स व्हाई आपको यहां पे मैं एग्जांपल करवाऊंगा नहीं, बता रहा हूं एग्जांपल नंबर 1 बहुत इजी है, यही काम कर रहे होगे, एग्जांपल नंबर 2 का भी वही बहुत इजी काम है। तो आज जरा 8.2 जो है ना उसको जरा सॉल्व करते हैं। 8.2 में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास कि आपने सम मालूम करना है किसका, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर, ये आपको मालूम करना है।
ठीक है, तो ये तो खैर बहुत इजी सवाल है, पेपर में आएगा भी नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले में पुट करना है। लेकिन अगर आएगा तो आपने सॉल्व किस तरह करना है इसको, सबसे पहले आप यहां पे सम कर लो, लेट यहां पे इस पूरी सीरीज को हम नाम दे देते हैं SN, ठीक है, SN नाम दो, 50 दे दो कि आपने 50 जो है उन टर्म का सम करना है, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला मेंशन कर दो यहां पे, क्योंकि सवाल अगर छोटा है तो जाहिर सी बात है आपको, वैसे भी आप फॉर्मूला लाजी मेंशन किया करो, तो आप लिख दो वी नो दैट जो ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला, ये स्क्वायर की सीरीज है, दैट्स वाई एस 50 यहां पे क्या हो जाएगा, पुट कर दो एन की जगह 50 प्लस वन और ये हो जाएगा 100 प्लस वन, मतलब n की जगह 50 52 100 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करोगे बच्चों ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 6। आप लोगों ने जाना है इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर मेरा पड़ा हुआ है दूर, लेकिन इतना दूर नहीं है कि मैं पकड़ ना सकूं उसको। तो 50 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 6, तो बच्चों आंसर आपके यहां पे आ रहा होगा, और कोई पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, इसकी रीजन ये है कि जो जब आप स्क्वायर करते हो तो पॉइंट में कोई चीज नहीं आती ना। तो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये दोनों ही कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद ही से कवर कर लेना, कॉन्सेप्ट इसका देख लो, बाकी करना इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मालूम क्या करना है, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, अप टू कहां तक जाना है आपने, 50 के स्क्वायर तक जाना है। अब यहां पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो इस वाले फॉर्मूले में 50 पुट कर देते हैं। थोड़ा समझो, यहां पे जब 50 पुट करते हो तो शुरू से लेके 50 तक आपको सम मिलता है, जबकि आपको 21 से लेके 50 तक का सम चाहिए, तो ये फर्क है। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन तमीज वाला स्टार्ट करते हैं, आप इसको लेट कर लो, यहां पे सिंपल एस लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा एस का मतलब भाई आपने इसका सम निकालना है, और सवाल यह है इसका सम किसके बराबर होगा। इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला मेंशन कर देना, सबसे पहले वही चीज यहां पे लिखी देना, यहां पे मेंशन कर देना कि वो वी नो दैट जो स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद आप नीचे लिखना कि आप क्या करो, यहां पे बच्चों ये फॉर्मूला आप दो दफा यूज करोगे, क्यों दो दफा यूज करोगे, टेक्निक हमारी क्या होगी, आप सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करोगे ना उसमें एन की जगह 50 पुट करोगे, पहले वाले फॉर्मूले में जब एन की जगह 50 पुट करोगे ना तो आपको 1 से लेके 50 तक का सम मिल जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 50 के स्क्वायर तक का मिल जाएगा 50 पुट करोगे। लेकिन आपको इतना नहीं चाहिए, आपको शुरू के 20 का सम नहीं चाहिए, आपको 20 के बाद जो है ना उसका सम चाहिए, मतलब आपको 21 से चाहिए, शुरू के 20 का आपको नहीं चाहिए। तो ये जो पूरा सम है ना 50 तक का, इसमें से आप माइनस कर दो शुरू के 20 का, शुरू के 20 का मतलब 1 से लेके 2 3 अप टू 20 तक, ये चीज। तो अगर आप शुरू के 50 का सम निकालो और उसमें से माइनस कर दो शुरू के 20 का, तो इस पूरे 50 में से शुरू के 20 का सम माइनस हो गया, तो पीछे कौन सा सम आएगा, 20 के बाद का सम आएगा, और 20 के बाद तो आप क्या लिखोगे, 21 22 23 अप टू 50। तो आपने बस क्या करना है, पहले 50 का निकालना है, माइनस जो आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आता 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, तो 20 के अंदर इंक्लूड है ना, तो आप इस फॉर्मूले में 19 पुट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाता ना ये चीज निकालो कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, अप टू 50 का स्क्वायर तक जाना है, तो आपको पता है 20 इसके अंदर शामिल है, तो सबसे पहले 50 पुट करो, ओवरऑल सबका निकालो, माइनस कर देते इसमें से 19 तक का, मतलब इससे पहले 19 होगा ना, 19 18, तो 19 का किस तरह निकालोगे आप, 19 पुट कर दो इसके अंदर दूसरी दफा, तो 1 से लेके 19 तक का सारा सम यहां से निकल जाएगा, तो पीछे कौन सा सम आएगा, पीछे सम आएगा 20 21 22 अप टू 50, इन सबके स्क्वायर का सम आ जाएगा। ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई करनी है। वहां पे आपने यूज करना सबसे पहली बात क्यूब का फॉर्मूला, दूसरी बात सबसे पहले पुट करोगे 25, माइनस फिर पुट करोगे 15, क्योंकि 16 से ऑनवर्ड आपने निकालना है, तो 16 से पहले क्या होगा 15, तो दूसरी दफा जो आप माइनस करोगे ना तो क्यूब के फॉर्मूले में 15 पुट कर देना भाई, ये टेक्निक है। तो ये मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते, मैं करके दिखा रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहले आप 50 पुट करो, एग्जैक्ट ये वाली चीज होगी 50 प्लस 1 और 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, माइनस दूसरी दफा आप क्या पुट करोगे, यहां पे 20 पुट करोगे, 21 से पहले 20 आएगा ना,
तो वहां पर इस फॉर्मुले में 20 पुट कर दो, ये हो जाएगा 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय वही 6। तो बच्चों इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 50, 51, 101 डिवाइडेड बाय 6, और उसको कैसे लिख सकते हो 20, 21, 41 डिवाइडेड बाय 6। तो अलग अलग आंसर निकालने से बेहतर आप डायरेक्ट ही आंसर निकालो, ये काम आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर भी चेक कर सकते हो। कैलकुलेटर में ना एक बटन होता है सिग्मा का, ये है बटन कैलकुलेटर में, ये मेरे कैलकुलेटर में तो ये वाला कैलकुलेटर है, इसमें एक्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा याद आ जाएगा। आपने ढूंढना है सिग्मा का कहां बटन मिलेगा। आप सबसे पहले अच्छा इस सवाल ये कि इसमें कौन सी सीरीज है, एन स्क्वायर है ना, तो आप कैलकुलेटर में एक्स पुट कर देना, यहाँ पे जो आप एन रीड कर रहे हो ना कैलकुलेटर में एक्स कर देना। एक्स कैसे आता है, अल्फा दबाते हो और ये वाला बटन होता है इस टाइप का, ये ब्रैकेट वाला बटन है ना, तो आप अल्फा दबाओ, इस ब्रैकेट वाले बटन के ऊपर एक्स लिखा होता है लाल कलर में, तो लाल वाले का मतलब होता है अल्फा दबा के आएगा, तो अल्फा दबा के ये वाला बटन दबाओ आपके पास एक्स आ जाएगा और फिर इसका स्क्वायर लगा दो। ये लगाने के बाद अब आप लिमिट सेट करो, सबसे पहले वाले फॉर्मूले में 1 से लेकर 50 पुट करना था ना, लेकिन इसमें आपको कैद नहीं है, ये फॉर्मूला आपको बड़ा इजी लगेगा, इन द सेंस कि आपको ये दो काम करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग क्यों निकाल रहे हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही ये लगाओ कैलकुलेटर में 21 से लेके 50, पहले कैलकुलेटर में ये पुट कर दो आप। मैनुअली तो आप नहीं निकाल सकते ना, मैनुअली इस फॉर्मूले में आप कैलकुलेटर तो जल्दी जल्दी में खुद पुट करे कर लेगा ना, आप सबसे पहले 21 पुट करोगे, ये मतलब मैनुअली निकालना बड़ा मुश्किल है, आपको तो फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला आप इस तरह दो दफा यूज कर रहे होगे, लेकिन कैलकुलेटर को कह थोड़ी ना, इस तरह कैलकुलेटर में आप ये चीज डालो वो डायरेक्ट कर देगा, ऐसा शपाटर है कैलकुलेटर। तो नीचे वाली लिमिट 21 डालो, ऊपर वाली आप डालो 50, तो आंसर आपका आ रहा है 40055, और एहतियातन हम ये भी चेक कर लेते हैं हमने कोई मिस्टेक ना की हो, माइनस ये क्या है 20 × 21 × 41 डिवाइडेड बाय 6, बिल्कुल यही हमारा आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेटर में अगर आपने आंसर चेक करना है तो कैलकुलेटर में ये चीज डायरेक्ट पुट कर दो, आसानी से आपके पास आ जाएगा, और अगर ये चीज नहीं पुट करनी है आपने तो अलग अलग करके भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो शुरू के 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं, मैं क्वेश्चन 4 करवा देता हूं, वो ज्यादा पड़ा है, 5 आप लोग को ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और यही पैटर्न चलता जा रहा है, कहां तक आपने जाना है, माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एक साथ इनको सॉल्व करना मुश्किल है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव इनको अलग कर लो, तो जब आप सॉल्यूशन करो तो आप सबसे पहले लेट कर लो सम किसके बराबर है, यहां पे आप एक लिखो 1 का स्क्वायर, पॉजिटिव वाली कंसीडर करो, अगर आप ऑब्जर्व करो 1 के बाद 5 है, मतलब 4 की जंप मारी है आपने, तो 5 के बाद क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, और कहां कहां तक आपने जाना है, आपने जाना है 101 के स्क्वायर तक, तो एक आप इसको कंसिडर कर लो, जो नेगेटिव वाले ना सारे उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो आप पीछे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर, इसके बाद होगा 11 का स्क्वायर, और कहां तक आपने जाना है, आपने जाना है 99 के स्क्वायर तक, इन सबके माइनस मैंने कॉमन ले लिए, तो ये नहीं मुझसे बोलना कि सर इनके माइनस कहां पे चले गए, सबके माइनस मैंने कॉमन ले लिए, तो ये भी पॉजिटिव की सीरीज, ये भी पॉजिटिव की सीरीज आ गई। अच्छा बच्चों अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे देखो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, जंप मार के गए 1, 5, 7 ये सब आपने किए हैं, तो अब इस पे फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे रेस्क्यू करने आपको आएगी समीशन नोटेशन, किस तरीके से इस्तेमाल करना है समीशन नोटेशन में, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो जिस सीरीज आपने कैलकुलेट करनी है उसकी जनरल टर्म, और दूसरी बात कहां से लेके कहां तक, अभी दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनकी जनरल टर्म आपको नहीं पता, इनकी जनरल टर्म क्या, तो यहां पर रुक जाना, इनकी जनरल टर्म निकाल लेना, नीचे निकाल लेना, कोई इतना इशू नहीं है। तो अगर आप देखो इसमें ए जो है वो 1 है, ये बेसिकली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आप कह लो, सीरीज नहीं मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं होगी, लेकिन सीक्वेंस इन द सेंस कि जो स्क्वायर के नीचे नंबर्स लिखे हुए ना वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर है 1, 5, 9, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस यहां पे 4 है, यही चाहिए होता है आपको, और क्या आपको करना है, तो जनरल टर्म क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता ना यहाँ पे, जनरल टर्म तभी तो निकाल रहे हो आप, ए प्लस एन माइनस 1 डी ये होती है ना, तो पुट करो 1 + (n-1) 4, जब इसको सॉल्व करोगे 4 को एन से करो 4n, 4 को माइनस 1 से करोगे -4, -4, +1, -3, तो इसकी जनरल टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 4n-3, ये इसकी जनरल टर्म है, वेरीफाई भी कर सकते हो,
एन की जगह 1 पुट करो आंसर 1 आ रहा है, एन की जगह 2 पुट करो तो आंसर 5, 2 पुट करोगे तो आंसर 5 आ रहा होगा, तो ये 5 आ रहा है। एन की जगह 3 पुट करोगे तो आंसर 9 आ रहा होगा। अच्छा ये जहन में रखना, यहां पे स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखे हुए ना उनकी जनरेटर मैंने यहां पे निकाली हुई है, ये चीज जहन में रखना। मैंने इन मतलब ये जो मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाला है ना, ये पूरी इस सीरीज के जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं है जो आपके सामने लिखी हुई है, उसके जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होगा। मैं स्क्वायर लगा दूंगा, ये जो है ये पूरी सीरीज के जनरल टर्म है, ठीक है। मतलब आप 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये 5 का स्क्वायर होगा, 3 पुट करोगे 9 का स्क्वायर होगा। तो जब मैं समीशन नोटेशन में पुट करूंगा ना, तो मैं स्क्वायर के साथ पुट करूंगा, उस वक्त तो मुझे सीरीज की पूरी जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। अभी मैं जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे वाली चीज लगा रहा हूं, समीशन में मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। तो जहन में रखना है जो 4n-3 आई है ना, जो स्क्वायर के नीचे नंबर लिखे हुए उनके जनरल टर्म है। इस सीरीज के जनरल टर्म कैसे आएगी, जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे, और वह मैं सिग्मा नोटेशन के अंदर लगा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जनरल टर्म मालूम किए। अब आप ये मालूम करो यहां पे नंबर ऑफ टर्म है कितनी, मतलब ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, अप टू ये 101 जो है, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, सिंपल एपी का क्वेश्चन है, आपको यहां पे एनएक्स टर्म पता है ना, एनएक्स टर्म क्या 101, आप यहां पे पुट कर दो और एन की वैल्यू निकाल लो, 4n बराबर हो जाएगा 104 के, डिवाइड करो बच्चों तो एन की वैल्यू 26 आ जाएगी। तो मतलब ये जनरल टर्म है, इसमें आपने 1 से लेकर 26 तक जाना है। 1 पुट करोगे पहली टर्म, 2 पुट करोगे दूसरी टर्म, 3 पुट करोगे ये वाली टर्म, और जब 26 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आ रही होगी, तो इसका तो आपने काम कर लिया। अब आते दूसरे के ऊपर, इसमें a 3 है, कॉमन डिफरेंस अभी भी 4 है, जनरल टर्म क्या होगी इसकी 3+n-1d, तो ये हो जाएगा 4n-4+3-1, तो ये जनरल टर्म आ गई इसकी। आप देख सकते हो मैं 1 पुट करूंगा 3 आएगा, 2 पुट करूंगा 7 आएगा, 3 पुट करूंगा 11 आएगा। ये सीरीज की जनरल टर्म नहीं है, स्क्वायर के नीचे जो लिखी हुई है ना उसकी जनरल टर्म है। सीरीज की जनरल टर्म बनानी होगी तो आप होल स्क्वायर लगा दोगे इसके ऊपर। अच्छा एनएस टर्म निकालो, एनएस टर्म यहां पे 99 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, आप ले लो ये 100 हो जाएगा, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 25 है। तो जब इससे रिलेटेड आपने दोनों बातें निकाल ली है ना, अब इसको लिखो। अब सिग्मा रोटेशन की बात है, अब इस पूरी सीरीज को मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, तो किस तरह लिखोगे आप सबसे पहले लिखोगे समीशन सिग्मा रोटेशन, यहां पे आप लिखते हो जनरल टर्म, जनरल टर्म यहां पे क्या है 4n-3 का होल स्क्वायर, ये इसकी जनरल टर्म है। आप 1 पुट करोगे पहली टर्म, 2 पुट करोगे दूसरी टर्म, 3 पुट करोगे तीसरी टर्म आएगी, और समीशन नोटेशन का मतलब सबको आपने ऐड करना है, तो ये इसकी जनरल टर्म है। कहां से ऐड करना स्टार्ट करना है, n की 1 वैल्यू से, मतलब सबसे पहले 1 पुट करोगे पहली टर्म, और कहां तक जाना है आखिरी टर्म कौन सी 26वीं टर्म, तो 26 तक आपने जाना है, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज आपके सामने लिखी हुई है ना, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है ये पूरी, तो शॉर्ट फॉर्म हमने दो स्टेप में निकाली। सबसे पहले हमने जनरल टर्म निकाली थी, फिर उसको स्क्वायर कर दिया, और दूसरी चीज हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाली है। अब आपने लिख दिया इसको, फिर माइनस इसकी भी लिखते हैं किस तरीके से। जनरल टर्म क्या है 4n-1, लेकिन स्क्वायर करना है आपको, ये जनरल टर्म इसकी पूरी होगी स्क्वायर के बाद, तो ये सीरीज की जनरल टर्म होगी। कहां से लेके कहां तक जा रहे हैं, सबसे पहले एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, और 99 कौन सी टर्म है 25 पर। तो ये जो लंबे लंबे आपके पास लिखे हुए थे ना, पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, उनको शॉर्ट फॉर्म में आपने सिग्मा नोटेशन में लिख दिया। अब इसके बाद आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन आपने क्या करना है, पहले इनको ओपन करना है आपने। अच्छा कहीं जगह मैं अपनी आसानी के लिए ना 1 से लेकर 26 लिख दूंगा, पेपर में आप भी ऐसे लिखना चाहे लिख लो, एन इक्वल टू लिखना स्लो कर देगा मुझे। सॉल्व करो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा 16n²-24n+9। अच्छा अब ये किसके बराबर होगा, 1 से लेकर 25, 16n²-8n+1, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि सिग्मा जो है वो एक लीनियर ऑपरेशन है, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती है, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप अलग अलग सब पे अप्लाई कर दो, तो सिग्मा आप इस पे भी अप्लाई करो, सिग्मा इसके ऊपर भी, सिग्मा इसके ऊपर भी, सेम इधर भी यही चीज होगी, ठीक है। पर अप्लाई करते हैं बच्चों यहां पे 1 से लेके 26, आपके पास है 16n². और जरा मैं थोड़ा यार जल्दी जल्दी कर देता हूं, ये बच्चों वाला स्टेप मैं नहीं कर रहा, ये जो 16 है इसको ऑलरेडी बाहर निकाल दो भाई, दो काम एक साथ में कर रहा हूं, 16 को बाहर निकाल दिया। फिर जब सिग्मा वाला नोटेशन इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो -24 ये बाहर हो जाएगा,
और जो सिग्मा रोटेशन है ना वो अप्लाई कर दूंगा मैं एन के ऊपर, ये एन है यहां पे, फिर सिग्मा रोटेशन नाइन के ऊपर अप्लाई कर दो आप, नाइन को बाहर नहीं निकालना, नाइन को बाहर निकालना होगा कुछ तो अंदर रखोगे ना, ऑपरेटर खाली थोड़ी ना होगा, नाइन को अगर बाहर निकालना है तो अंदर वन रख देना फिर, नाइन वन जा वन नाइन होता है बाहर, तो फिर उधर से रहना तो कोई मसला नहीं है। फिर इसको कंसिडर करो, तो पहले टर्म के साथ नेगेटिव, दूसरे के साथ पॉजिटिव, तीसरे के साथ नेगेटिव, मतलब जब मल्टीप्लाई होगा ना तो पहले टर्म नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगेन 16 का बाहर निकालो, 1 से लेकर 25 एन स्क्वायर, माइनस माइनस पॉजिटिव, 8 को बाहर निकालो, 1 से लेके 25 एन, और फिर कॉन्स्टेंट है नेगेटिव आएगा 1 से लेके 25। अब देखो ये वाली दोनों टर्म कैंसिल हो जाती अगर इनकी पावर सेम होती, पावर सेम, लेकिन एक और छोटा काम भी आप कर सकते हो यहां पे, आपको पता है ना इसमें जो आपके पास 26 आ रही है, 26 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 26 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर तक, ठीक है, इससे भी इसकी टर्म से भी 16 मल्टीप्लाई होगा, इसकी टर्म से भी माइनस 16 मल्टीप्लाई होगा, तो कहने का मतलब इसकी पहली टर्म क्या होगी, 1 स्क्वायर, तो 16 को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, इसकी भी पहली टर्म होगी 1 का स्क्वायर, 1 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16 आएगा, 16 से माइनस 16 कैंसिल, इसमें जब 2 पुट करोगे दूसरी टर्म 4 होगी, 4 को 16 से करोगे 64, और इसमें जब 2 पुट करोगे अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 को माइनस 16 से करो माइनस 64, अगेन आपस में कैंसिल होगी, तो कहने का मतलब है शुरू की 25 टर्म तो सेम होगी ना इनकी, तो वो कैंसिल हो जाएंगी, बस एक्स्ट्रा काम क्या है कि इसके अंदर 26वीं टर्म है, 25 टर्म तो इनकी आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसकी 25 टर्म नेगेटिव साइन के साथ है सेम 16 लिखा हुआ, इसकी टर्म जो है 25 पॉजिटिव के साथ है और 16 लिखा हुआ, तो शुरू के 25 टर्म दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस एक्स्ट्रा काम क्या होगा जो इसकी 26वीं टर्म है वो बच जाएगी बस, तो डायरेक्ट 26 टर्म निकाल लेते हैं, 26वीं टर्म क्या होगी इसकी, जब हम एन की जगह 26 पुट करोगे 26 का स्क्वायर और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे 16 से, ये इसकी 26वीं टर्म होगी, इस तरह कर लो, वरना दूसरा काम पता है क्या होता है, दूसरे तरीके से अगर आप कर रहे हो तो यहां पे आप फॉर्मूला कंसीडर करते हैं एन स्क्वायर का, उस एन में आप 26 पुट करते हैं, फिर यहां पे भी फॉर्मूला कंसीडर करते हैं उसमें एन में आप 25 पुट करते हैं, फिर आप कंप्यूटर से निकालते हैं, अगेन अपना इफेक्ट कैंसिल करके वही चीज हो जाती है, तो डायरेक्ट कर दो ज्यादा बेहतर है, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, अगर इधर फॉर्मूला कंसीडर करोगे 26 पुट करोगे फॉर्मूले में, इधर फॉर्मूला कंसीडर करोगे 25 पुट करोगे, तो बेहतर है आपको जब ये बात पता है कि इसकी शुरू की 25 टर्म, अच्छा नहीं यहां पे कैंसिल नहीं होगा, यहां पे ध्यान रखना यहां पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इनके कोएफिशिएंट अलग है, यहां पे तो सेम सेम थे ना 16 और माइनस 16, यहां पे नहीं होगा, तो यहां पे दूसरे तरीके से आप कर लो, 24 पुट करो, यहां पे जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना एन एन प्लस वन अपॉन टू वाला, वो फॉर्मूला कंसिडर करो, उसमें एन की जगह 26 पुट कर दो, तो 26 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, मैंने बताया था जब कोई कांस्टेंट आपके पास लिखा हो 1 से लेके अगर आपने कहीं भी जाना हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 26 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, इसका तो आपने हल निकाल ली ना, इसका हल क्या होगा 8 लिखो और ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इसमें आप पुट कर दो n की जगह पे 25, तो हो जाएगा 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और अगेन 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 25। इस पूरी चीज को आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालना है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, जैसे आगे से आप निकाल सकते हो, तो बच्चों आंसर इसका आ रहा है 5201, तो ये पूरा आपके पास आंसर आ जाएगा, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हो सवाल को, जैसे मैंने बताया ये मैंने शॉर्टकट लगाई है यहाँ पे, आप इसको इसी तरह फॉर्मूला पुट करके दोनों को कर लेते अलग अलग, लेकिन इस सवाल में आसानी हो रही थी तो मैंने आसानी क्रिएट कर ली है।